बच्चों के तनाव को दूर कर उनके मनोबल को बढ़ाने और उन्हें परीक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर के बच्चों से परीक्षा पर चर्चा की है। बोर्ड परीक्षा 2024 से पहले देश भर के 10वीं और 12वीं क्लास के स्टूडेंट के तनाव को कम करने के लिए आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों को परीक्षा संबंधित आवश्यक जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बच्चों से तनाव मुक्त रहने, परीक्षा की तैयारी अच्छे से करने, तय समय को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र हल करने सहित अन्य जानकारी मुहैया करा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली प्रगति मैदान के भारत मंडपम में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण देश भर के स्कूलों में कराया गया है। इसी कड़ी में केंद्रीय विद्यालय भरवेली में भी प्रोजेक्ट टस्किंग के माध्यम से पीएम मोदी का कार्यक्रम दिखाया गया। आपको बताया कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी स्टूडेंट, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बोर्ड परीक्षा से पहले होने वाले तनाव और डर को कम करने के लिए सातवीं बार परीक्षा पे चर्चा की है। संस्करण में अपना संभाषण छात्र छात्राओं से, बालकों से, विद्यार्थियों से अपनी परिचर्चा कर रहे हैं, उनकी शंकाओं का समाधान करेंगे। उनका उद्देश्य है कि परीक्षा के समय बच्चों में जो स्ट्रेस, तनाव इत्यादि चीज़ें होती हैं वो उनको दूर कर सकें, जितनी उनकी शंकाओं का समाधान कर सकें। प्रधानमंत्री जी ने इस संदर्भ में एक बुक भी रखी, जिसका एग्जाम वॉरियर बुक का नाम है। अभी आपने देखा होगा कि हमने अपने बच्चों को ये बुक डिस्ट्रीब्यूट की है, जिन्होंने कि पेंटिंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया था। तो जरूर हमारे छात्र छात्राएं जो कि निकट भविष्य में एग्जाम देने वाले, उनसे लाभान्वित होंगे। और मेरी सभी बच्चों के लिए, बालाघाट के जितने छात्र छात्राओं, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। एनबीसी न्यूज के लिए बालाघाट से आशीष भगत की रिपोर्ट।